दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आज ये हम फर्राटा फैन है जो कि इसको हम 2800 आरपीएम में रिवाइंडिंग करेंगे। तो इसका वाइंडिंग डाटा आपको बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको रिवाइंडिंग करके बताएंगे। तो जैसा कि आपको इस तरह से कॉइल बना लेना है, तीन तीन का सेट रहेगा दोस्तों। देखिए ये हमारा 30 नंबर 220 टन, 230 टन और 240 टन, इसमें हमारा आपको दो सेट बना लेना है। इसके बाद में इसकी बाइंडिंग करना है। देखिए दोस्तों हमने इसको बना लिया है, अब इसको बाइंडिंग करके आपको दिखा रहे हैं। उसी तरह से आप इसको बाइंडिंग कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। दोस्तों बीच में आपको छेद छोड़ देना है। इस तरह से आपको 1 2 3 4 5 6 छोड़ देना है। 1 से 8 में ये कॉइल हमारी पड़ेगी इस तरह से। देखिए दोस्तों 1 से 8 में इस तरह से आपको कॉइल को डाल लेना है। इसके बाद में आपको ये पीवीसी लगा लेना है। तो ये हमारी फर्स्ट कॉइल ज्वाइन हो चुकी है। इसी तरह से बाकी इन कॉइलों को भी रिवाइंड करके आपको बता देता हूँ। इसी तरह से आप बाइंडिंग कीजिए। ये कनेक्शन देख लिए हमारे उस साइड में है और इसको इस तरह से आपको कनेक्शन करना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना पड़े। दोस्तों इसी तरह से आपको इस साइड का भी कॉइल रिवाइंड करना है। इसका कनेक्शन आप देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ उस साइड में रहेगा। इसका कॉइल पिच 1 से 10। देखिए दोस्तों इसी तरह से ये हमारा फर्स्ट और सेकंड कॉइल रिवाइंड हो गया है। दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत आती है रिवाइंडिंग करने में तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट और सेकंड कॉइल रिवाइंड हो गई है और इसी तरह से थर्ड कॉइल बची हुई है, इसे भी रिवाइंड कर देते हैं। तो इसका आप कनेक्शन देख लीजिए दोस्तों, इसी तरह से आपका कनेक्शन रहेगा। देखिए इस वायर को यहाँ पर रखना है। तो इस तरह से आपको वायर को डाल लेना है। देखिए दोस्तों ये हमारा वायर यहाँ पर हो जाएगा कनेक्शन का और इस साइड में इसको हम डाल देते हैं। अब इसमें हम पीवीसी लगा देते हैं शॉर्ट पेपर और इस साइड का भी रिवाइंड कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी फर्स्ट कॉइल रनिंग का एक साइड का रिवाइंड हो गया है। अब वो दूसरी साइड का बचा हुआ है, उस साइड का भी रिवाइंड कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं दोस्तों क्या फिनिशिंग आई है हमारी फर्स्ट कॉइल में। इसी तरह से सेकंड कॉइल उस साइड का भी रिवाइंड कर देते हैं। देखिए कॉइल हमारी क्या साइज से बन गई है और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों ये हमारा फर्स्ट कॉइल रिवाइंड हो गया है। इसी तरह से सेकंड कॉइल को भी रिवाइंड कर देते हैं और इसका कनेक्शन भी उसी तरह से रहेगा। आपको कनेक्शन में कोई गड़बड़ी नहीं करना है। दोस्तों इस कॉइल को हम डालते हैं 1 से 8 में। बीच में आपको 6 स्लॉट छोड़ देना है, एक यहाँ पे इस तरह से डालना है और आपको बीच में 6 छोड़ देना है, 6 स्लॉट 1 2 3 4 5 6 और 1 से 8। देखिए दोस्तों इस तरह से आपको कॉइल को डालना है। इसमें स्लॉट पेपर इस तरह से लगा लेना है और इसके बाद में ये सेकंड कॉइल
भी डालना है। इसका कॉइल पिच 1 से 10 रहेगा, इसके बगल में यहाँ से यहाँ। तो इसी तरह से दोस्तों आपको भी रिवाइंडिंग करना है, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी कॉइल सेकंड भी रिवाइंड हो गई है। अब ये थर्ड कॉइल बची हुई है, इसे भी रिवाइंड कर देते हैं। इसका कनेक्शन आप देखते चले दोस्तों, यहाँ से इस साइड में रहेगा। तो इसी तरह से हमारी कॉइल रिवाइंड हो गई है, और इसको यहाँ से यहाँ डाल देते हैं ये आखिरी कॉइल। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये हमारा रनिंग का पूरी तरह से रिवाइंड हो गया है। अब स्टार्टिंग कॉइलें बची हुई हैं, स्टार्टिंग कॉइलें भी आपको डाल के दिखा देता हूँ किस तरह से स्टार्टिंग कॉइल भी। उसी तरह से आप स्टार्टिंग को भी रिवाइंड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये हमारा रनिंग पूरी तरह से रिवाइंड हो गया है, और अभी आपको हम दिखा देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, क्या फिनिशिंग आई है इस तरह से बाइंडिंग करने में। अब इसी तरह से आपको स्टार्टिंग का कॉइल डालने को बता देते हैं। जिस तरह से आप इस कॉइल को डाले हैं, उसी तरह से स्टार्टिंग कॉइल भी पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल है, इसमें आपको 240 फर्स्ट में और 250 और 260 टर्न रखना है 31 नंबर से। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से आप इसका टर्न रखिए, और इसके बाद में इसका बाइंडिंग आप कीजिए। एक से आठ में डालना है इस तरह से। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए आपको हम सभी को बताते चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलिए, और वीडियो को स्किप कहीं भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको सभी जानकारी नहीं मिल पाएगी। इस तरह से अभी सेकंड कॉइल को भी डाल देते हैं। कनेक्शन आप देखते चलिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ रहेगा इस साइड का। इसका कॉइल पिच 1 से 10 रहेगा, 1 से 8, और इसको 1 से 10 इस साइड में डाल देते हैं, और इसके बाद में उस साइड का भी रिवाइंड करते हैं। देखिए दोस्तों, उस साइड का भी रिवाइंड हो गया। अब इस पर हम स्लॉट पेपर लगा देते हैं। ये हमारी फर्स्ट और सेकंड कॉइल रिवाइंड हो गई है, थर्ड कॉइल बची हुई है, इसे भी रिवाइंड कर देते हैं। इसका कनेक्शन यहाँ से यहाँ। इसका कॉइल पिच 1 से 12 इसके यहाँ साइड से डाल देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा स्टार्टिंग का एक साइड का कॉइल रिवाइंड हो गया है। अब उस साइड का बचा हुआ है, उस साइड का भी आपको रिवाइंड करके बता देता हूँ। उसी तरह से आप उस साइड का भी रिवाइंड कर लीजिए। और दोस्तों इसी तरह से उस साइड का भी रिवाइंड कर देते हैं। सेम इसी तरह से रिवाइंड रहेगा, जिस तरह से आपको इस कॉइल में बताए हैं। 1 से 8 कॉइल पिच रहेगा दोस्तों। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा।
देखिए दोस्तों, फर्स्ट पर रिवाइंड हो गई है। इसी तरह से ये कनेक्शन का वायर हमारा उस साइड में निकल गया है और इसको आपको यहाँ से यहाँ रखना है, इसको इस तरह से मोड़ कर डालना है। उस साइड का भी इस तरह से रिवाइंड कर लेते हैं और इसके बाद में ये हमारी आखिरी कॉइल बची हुई है उसे भी रिवाइंड कर देते हैं। दोस्तों, ये हमारी आखिरी कॉइल बची हुई है, इसका कॉइल पीछे 1 से 12 रहेगा और ये आखिरी बची हुई है, इसी में इसको रिवाइंड कर देते हैं। तो इसका कनेक्शन आप देखते चलिए, इसका कनेक्शन यहाँ से यहाँ रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा पूरी तरह से रिवाइंड हो गया है। देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह से रिवाइंड हो गया है। अब आप देख पा रहे हैं क्या फिनिशिंग है हमारी इस कॉइल में। इसी तरह से आप भी रिवाइंड कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।